कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर धांधली की खबरों के बाद पार्टी ने अब उम्मीदवारों के चयन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए वर्षों पुरानी परंपरा को बदलने का फैसला किया है, जिसके तहत अब कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ग्राउंड जीरो से प्राइवेट इंटेलिजेंस इनपुट लेगी। उसके बाद संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस से टिकट मिलने के लिए दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि नेता खुद इलाके में पहुंचकर लोकल नेताओं के बारे में फीडबैक लेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट पाने के लिए पहले दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता था। बार बार उनको दिल्ली पहुंचकर 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय या फिर बड़े नेताओं से मिलकर अपना फीडबैक देना होता था, लेकिन राहुल गांधी की इस नई व्यवस्था के बाद इन चीजों से मुक्ति मिल गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये बदलाव 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ दिलाता है और राहुल गांधी की व्यक्तिगत मेहनत क्या रंग लाती है। राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर धांधली की खबरों के बाद पार्टी ने अब उम्मीदवारों के चयन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए वर्षों पुरानी परंपरा को बदलने का फैसला किया है, जिसके तहत अब कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ग्राउंड जीरो से प्राइवेट इंटेलिजेंस इनपुट लेगी। उसके बाद संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस से टिकट मिलने के लिए दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि नेता खुद इलाके में पहुंचकर लोकल नेताओं के बारे में फीडबैक लेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट पाने के लिए पहले दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता था। बार बार उनको दिल्ली पहुंचकर 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय या फिर बड़े नेताओं से मिलकर अपना फीडबैक देना होता था, लेकिन राहुल गांधी की इस नई व्यवस्था के बाद इन चीजों से मुक्ति मिल गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये बदलाव 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ दिलाता है और राहुल गांधी की व्यक्तिगत मेहनत क्या रंग लाती है। राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब।